अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ओपन पोर्स। ये प्रॉब्लम हर किसी की होती है, मींस के बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की होती है। वो लोग चाहते हैं किस तरह पोर्स को श्रिंक किया जाए, तो आज इसके लिए डिफरेंट सी रेमेडी शेयर करूँगी। इससे पोर्स के इशू काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। 6 से 7 दिनों में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आपकी स्किन स्मूथ स्किन बन जाएगी। तो आइए इस रेमेडी को बनाते हैं। एक बाउल लेकर इसमें अंडे की सफ़ेदी को निकाल लेंगे। अब इस सफ़ेदी को अच्छी तरह से फेंट लेना है और इसकी जाग बना लेनी है। जाग बन चुकी है। अब सेकेंडली इसमें ऐड करना है 2 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारे एक्सेस ऑयल को रिमूव करके स्किन को स्मूथ बनाती है, ओपन पोर्स को श्रिंक करती है और गर्मियों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन जूस में एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, जो स्किन डैमेज और प्री मेच्योर एजिंग को कम करने में हेल्प करता है। तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, क्रीम हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब इसको क्लीन फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद इसको 30 मिनट के लिए छोड़ दें। 1 वीक तक इसका यूज़ करना है। 1 वीक में ही स्किन स्मूथ और क्लासी हो जाएगी। 30 मिनट के बाद फेस को वॉश कर लें। अब इसके ऊपर टोनर अप्लाई करना है। टोनर कैसे बनेगा वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक बाउल लेकर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर। ये स्पून छोटा है इसलिए मैं इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। इसके बाद सेम अमाउंट में इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। थोड़ा सा इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसको किसी भी स्प्रे बोतल में या किसी भी खाली बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। जैसे ही फेस को वॉश करना है, वॉश करने के बाद इसको फेस के ऊपर अप्लाई करें कॉटन पैड की मदद से या ऐसे ही इसके ऊपर स्प्रे करें। सो कैसे लगी आज की रेमेडी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकी बात।